नमस्ते, मेरे चैनल एसडीज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी अरवी पत्ते के रोल। ये अरवी पत्ता है जिसको मैंने धो लिया है और अच्छे से ड्राई कर लिया है, बिल्कुल सुखा दिया है इन पत्तों को। अरवी रोल बनाने के लिए मैंने ये मसाले लिए हैं। ये नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अजवाइन और ये कद्दूकस आम का अचार है। अमचूर भी इसकी जगह पे आप ले सकती हैं। ये कद्दूकस आम का अचार मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकती हैं। और ये 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट है और 2 पिंच हींग है और 250 ग्राम यहाँ पे बेसन है। अरवी रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका बैटर तैयार करेंगे। बेसन लेंगे, थोड़ा बेसन हम बचा लेंगे। लहसुन पेस्ट डाल देंगे, ये हींग 2 पिंच है, हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आप जितना तीखा पसंद करती हो उतना डालिए। मैं यहाँ 2 चम्मच डालूंगी लाल मिर्च। धनिया पाउडर 2 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, और ये आम का कद्दूकस अचार है 2 चम्मच है ये, इसको पूरा डाल देंगे। अब हम इसका गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे, गीला नहीं रखना इसको। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अरवी रोल का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है, ये इतना ही गाढ़ा रहेगा, इसको पतला नहीं करना है। अब हम रोल बनाने के लिए इस तरीके की बड़ी थाली ले लेंगे, इसे हम पलट लेंगे इस तरीके से, और एक पत्ता लेंगे, बड़ा पत्ता सबसे पहले लेंगे, और हाथ में पानी लगा लेंगे और ये पेस्ट ले लेंगे। इसको हम इस तरीके से इसमें लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर इस तरीके से एक फिर पत्ता रखेंगे और इसके ऊपर भी हम ये बैटर लगाएंगे। हाथ में पानी लगा लेंगे, फिर बैटर लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे। फिर हम एक छोटा पत्ता लेंगे, इसको इस साइड से इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और इस पे बैटर लगाएंगे। फिर हम इस तरीके का पत्ता लेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से कवर करेंगे और इस पे बैटर लगाएंगे। आपको जितना मोटा रोल बनाना है उतना परत इस पे लगाएंगे। बारी बारी से हम उसके ऊपर ये पत्ते लगाते जाएंगे और बैटर उसके ऊपर से लगाते जाएंगे। अच्छी तरीके से चारों तरफ हम बैटर लगा देंगे। सबसे पहले हमें बड़ा पत्ता लगाना है, उसके बाद से छोटे छोटे पत्ते उसके ऊपर चिपकाते जाने हैं, और फिर जितना भी मोटा आपको रोल बनाना है उस हिसाब से पत्ते लगाते जाइए। फिर
इस तरीके से पत्थर ले लेंगे, ये चिपका लेंगे। अब ये हमारा रोल बनने के लिए तैयार हो गया है। अब इसको हम रोल करेंगे। रोल करने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से साइड से इसे मोड़ेंगे, इस तरीके से साइड से मोड़ लेंगे, प्रेस कर देंगे इस तरीके से, इस साइड से भी मोड़ देंगे और प्रेस कर लेंगे, और इसके ऊपर बेसन का ये बैटर लगा देंगे। और हम इस साइड से नीचे से इस तरीके से मोड़ना स्टार्ट करेंगे, और ये साइड साइड से भी मोड़ते जाएंगे, इस साइड से भी मोड़ेंगे और इस तरीके से रोल बनाएंगे, इसको इस तरीके से लपेटते जाना है। इस तरीके से अब यहाँ पे हमें थोड़ा बेसन का बैटर अच्छी तरीके से लगाना है, इस तरीके से। अब इसे हम इस तरीके से बना लेंगे और यहां बैटर लगा देंगे। इसे ये अच्छी तरीके से चिपक जाए, और इस साइड लगाएंगे, इधर भी चिपका देना है। इधर भी चिपकाना है। ये हमारा अरबी रोल बन गया है। इसको अभी स्टीम करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा बना लेंगे रोल। दोनों ही रोल को मैंने बना लिया है। अब इसे हम पकाएंगे। इसके लिए मैं कुकर लूंगी। कुकर में 1 कटोरी पानी डालेंगे और इस कटोरी को हम इसके अंदर डाल देंगे, और अरबी का जो ये रोल है इसको हम इस तरीके से इस पे रखेंगे प्लेट पे, और कुकर के अंदर डालेंगे। दोनों ही रोल को मैंने प्लेट के ऊपर रख दिया है। आप इसे किसी कढ़ाई में भी बना सकती हैं, या जो बड़ा भगोना हो उसमें भी बना सकती हैं, लेकिन कुकर में जल्दी बन जाएगा इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ। अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे। अब हम गैस पे से 2 विसल आने तक पकाएंगे। अब मैंने जो ये बेसन बचाया था इसका घोल तैयार करेंगे। सबसे पहले इसे हम इसमें नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डालेंगे, और एक घोल बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और पकौड़े की घोल की तरह इसका घोल बनाएंगे। रोल के लिए मैंने बैटर तैयार कर लिया है। ये इस तरीके का घोल होना चाहिए। 2 विसिल आ चुका है। मैंने कुकर को बिल्कुल ठंडा कर लिया है। अब इसे खोल के देखते हैं। रोल को हम चेक कर लेते हैं कि अंदर से पका है कि नहीं। तो इस तरीके से एक चाकू डालेंगे। ये हमारा चाकू बिल्कुल साफ है, तो अंदर से हमारा रोल बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गया है। अब इसे हम कुकर में से बाहर निकाल लेंगे।
रोल को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे अच्छे तरीके से ठंडा होने देंगे। रोल को मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया है। अब इसके पीस काटेंगे। एक एक इंच मोटा पीस बनाएंगे इस तरीके से। रोल को हम दो तरीके से बनाएंगे। मैंने एक रोल को काट लिया है एक एक इंच मोटा। इसे हम एक पैन में तेल डालेंगे, 2 चम्मच तेल डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। रोल को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऊपर से भी तेल डाल देंगे और इसको पलट के सेकेंगे। सारे रोल को चारों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। रोल को हम अच्छी तरीके से सेकेंगे। ये जितना अच्छा सीखा रहेगा उतना ही खाने में टेस्टी लगेगा, इसलिए हमें अच्छी तरीके से इसे सेकना है चारों तरफ से। अब रोल हमारे अच्छी तरीके से सिक गए हैं। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। पैन में हम तेल गरम कर रहे हैं। अब रोल को हम डीप फ्राई करेंगे। ये बेसन घोल के जो मैंने तैयार किया था इसमें हम इसको डालेंगे रोल को और अच्छी तरीके से डीप करेंगे। और यहाँ ऑयल में डाल देंगे। इसी तरीके से हम सारे रोल को डीप फ्राई कर लेंगे। रोल को हम दोनों साइड से अच्छी तरीके से सेक लेंगे। ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। रोल हमारा अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। रोल को मैंने दो तरीके से तला है। ये दोनों ही तरीके से खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसे कभी भी बना के खाया जा सकता है। ये बहुत अच्छी लगती है। इसे आप किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकती हैं। कभी भी बना के खा सकती हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसे आप भी जरूर ट्राई कीजिए। इस रोल को आप भी बनाइए। बरसात के मौसम में इसका पत्ता मार्केट में अवेलेबल होता है। इसे जरूर बरसात में बना के खाइए, खिलाइए। और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।